हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ डीबीटी जीआरएफ के बारे में। वैसे तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अब थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने सारे पर्सनल मैसेजेस एंड ऑल आ जाते हैं कि मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। सर एम लाइक क्या होगा कट ऑफ, ठीक है, कहाँ पर मैं चलता हूँ, ये बड़ी समस्या होती है कि एम आई क्वालिफाइड और नॉट, ठीक है ना। सो इस पे जो है मैंने पेपर देखा अभी आज, पेपर और आंसर की आया था, तो आई हैव सीन द पेपर एंड पेपर वाज क्वाइट नॉट वी कैन से इजी, बट इट इज़ क्वाइट इजी टू मॉडरेट। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ सेक्शंस आपके बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, जैसा कि बहुत अलग अलग एग्ज़ाम से। सो ओवरऑल अगर पेपर को मैं मतलब अगर टैग करूं तो वो इजी टू मॉडरेट पेपर था, और इजी टू मॉडरेट पेपर का मतलब है कि कट ऑफ पिछली बार की तरीके से ही जाने वाला है। पिछली बार करीब करीब 236 या 237 गया था अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ, और 227 जो था वो आपका कैटेगरी टू के लिए था, जनरल वन के लिए। अनरिजर्व्ड के लिए 236 था और ईडब्ल्यूएस के लिए 213 ऐसे थे। इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है अप्रॉक्सीमेटली उसी के तरीके से जाएगा। आप 220 या 215 यानी इसके आसपास जो है आप रख सकते हैं। जो पेपर एनालाइज करने के बाद मेरा जो अनुमान है कि 200 प्लस कट ऑफ जाने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए और कैटेगरी वन के लिए। डीबीटी जीआरएफ में दो कैटेगरी के रिजल्ट निकलते हैं, आपको पता ही होगा। कैटेगरी वन जिसको कि फेलोशिप स्पॉन्सर की जाती है, एंड कैटेगरी टू के लिए कोई फेलोशिप अवेल नहीं होता, बट वो डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 215 टू 20 जो है वो आपका कट ऑफ जाने वाला है जनरल के लिए। उसी तरीके से रिस्पेक्टिवली आप 10-10 नंबर कम कर लीजिए अलग अलग कैटेगरी से। 10 नंबर कम करते हो जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में पहुंच जाएंगे, यानी कि 205-200 के आसपास। फिर आप और 10 से 15 नंबर कम करेंगे, यानी करीब करीब 180 या इस तरीके से 185, ये आपका एससी ओएसटी इस तरीके के कट ऑफ जो हैं वो जाने वाले हैं कैटेगरी वन के लिए। एंड कैटेगरी टू के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कहते हैं कि 100 मतलब 200 जो 205 के आसपास समझ सकते हैं, 210 के आसपास जो कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए। ओबीसी के लिए उसी तरीके से 10-10 नंबर कम कर लीजिए आप रिस्पेक्टिवली। सो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, मेरा जो अनुमान है मैं सिर्फ अनुमान है, ये इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल दूसरी चीज़ पे आते हैं कि अगर आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखा है तो दो कंडीशन आपके पास बनते हैं कि आप तो या तो कट ऑफ को ओवर कर रहे होगे 200 प्लस या 220 प्लस ऐसे करके, या तो आप जो है कट ऑफ के नीचे या मतलब बेसिक 200 के नीचे आ रहे होंगे तो हताश फील कर रहे होंगे। जो लोग ऊपर जा रहे हैं भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेसन है, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। एंड जो लोग ज़्यादा नीचे हैं जो लगता है कि नहीं कर पाएंगे, जैसे 150, 120, 100 और भी ऐसे जो लेवल्स हैं, तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हताश ना हो। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि डीमोरलाइज ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एग्ज़ाम था तो हो सकता है रिदम जो है वो मेंटेन ना हो पाया हो। सो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर लगिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप अपने आप डीमोरलाइज हुए, आप जो है हताश हुए, डिस्टर्ब हुए, तो आपका 10 दिन एक हफ्ता ऐसे टाइम जो है वो चला जाने वाला है। एंड अगर चला जाएगा वो आपको तब तक ICAR का एग्ज़ाम या ICMR का एग्ज़ाम आ जाएगा, और फिर आप कहोगे कि उस एग्ज़ाम की तैयारी हो नहीं पाई ढंग से, वो भी बेकार चला जाएगा। और फिर उस एग्ज़ाम का प्रेशर झेलोगे, फिर CSIR गड़बड़ कर दोगे, तो हर एक एग्ज़ाम अपने प्रीवियस एग्ज़ाम की वजह से गड़बड़ करते रहोगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं पास्ट को जो हो चुका उसको बदल नहीं सकते, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए, इसको सुधारिए। जो कमियाँ आपसे हुई हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, बैठ के सोचिए कि आपने DBT GRF के एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों को एलिमिनेट करिए और उन गलतियों पर काम करके अपने अगले एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। क्योंकि इस सिचुएशन में दो ही तरीके से आदमी काम करता है, या तो बिखर जाएगा या तो निखर जाएगा। तो कहते हैं कि मुश्किलों में अक्सर लोग या तो बिखर जाया करते हैं या तो निखर जाया करते हैं। ये चॉइस आपकी है, ये पसंद आपकी है, ये सलीका आपका है कि आप जो है ज़मीन के अंदर जाना चाहते हैं या शिखर पे जाया करते हैं। सो आपकी चॉइस है जी, आप कहाँ जाना चाहते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।